अस्सलाम असल आप इजी वीजा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास प्रॉब्लम है डिग्री की डिग्री है ही नहीं फॉर एग्जांपल डिप्लोमास की डिप्लोमा भी नहीं है कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है इसके अलावा वो आइल्स भी नहीं करना चाहते तो आइल्ड्स को भी निकाल दीजिए एक्सपीरियंस भी उनके पास जीरो है यानी कि एक्सपीरियंस भी उनके पास नहीं है तो अगर ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं एक आदमी के पास जो कि नॉर्मली केसेस डिस्कस होते हैं हमारे पास तो क्या फिर भी उनके साथ बात हो सकती है इस मौजू कनाडा जाएंगे तो पहली बात तो ये है कि यस बिल्कुल उनसे बात हो सकती है डिपेंड करता है कि वो कितनी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखते हैं मैंने साफ बता दिया आपको कि जितनी भी तवज्जो से मुकम्मल वीडियो अगर आप देखते हैं तो मैं आपको बिल्कुल वीडियो के एंड तक वहां तक ले जाऊंगा कि जहां तक आप इस पूरे प्रोसेस को समझ भी जाएंगे और करने की पोजीशन में भी आ जाएंगे और असल में जो भी गलत फहमियां या जो भी मिस हैंडलिंग हम करते हैं इन तमाम मामला के साथ वो भी हल हो जाएगी तो पहली बात तो ये है कि आप एक ऐसे आदमी को फर्ज कर लें जिसके पास डिग्री नहीं है डिप्लोमा नहीं है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिसके पास जो लिमिया करना नहीं चाहता वो तमाम लोग जो हैं क्या वो अप्लाई कर सकते हैं तो पहली बात तो ये कि यस अप्लाई कर सकते हैं और उसको आसान करने के लिए अपनी बात को आसान करने के लिए हम लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बात करेंगे अब वो एक पॉइंट कितना लंबा होगा मेरे इलम में नहीं है लेकिन हम एक पॉइंट बात करेंगे हम मिसाल उठा रहे हैं रेस्टोरेंट एंड फूड इंडस्ट्री की यानी कि मान लीजिए कि कैनेडा जो एक टूरिस्ट प्लेस भी है जहां पर और दुनिया भर में जहां पर भी आप देखेंगे तो ये जो फूड इंडस्ट्री है होटल रेस्टोरेंट ये वो ये रेस्टोरेंट ये तमाम चीजें बढ़ती ही जा रही हैं यानी कि जहाँ पर अगर टूरिज्म कम भी है तो वहां पर भी आपको कदम कदम के ऊपर ये तमाम चीज़ें तो नजर आ ही जाती हैं तो अगर आप इस चीज़ को देखते हो कनाडा के हवाले से कनाडा में अगर जॉब के हवाले से देखते हो तो जॉब के अंदर जो इसका नॉक कोड है वो तो पहले गलती नहीं होनी चाहिए कनाडा वाले इतने खतरनाक लोग हैं कि आपके सही केस को मतलब आपने बिल्कुल सही केस बनाया था सब कुछ सही था आपका आपने सबमिट भी कर दिया या किसी ने आपको सबमिट करवा दिया दोनों सूरतों के अंदर अगर नॉक कोड गलत है तो आपका केस को डिक्लाइन कर देते हैं खत्म कर देते हैं रिफ्यूज कर देते हैं तो सबसे पहले तो दिमाग में रखिएगा कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने अगर रेस्टोरेंट एंड फूड ये मिसाल है कहीं आप इसी पर ना चपक जाना अगर आपने रेस्टोरेंट एंड फूड इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया है तो आप लोगों का नॉक कोड जो बनेगा वो बनेगा सिक्स सेवन वन वन सिक्स सेवन वन वन ये गलती नहीं होनी चाहिए तो पहले तो आप अपने आगे सिक्स सेवन वन वन के कोड के अंदर अब आप आ जाइए कि आप किस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस फील्ड में तो फूड एंड काउंटर अटेंडेंट हो सकता है कोई आदमी यानी कि फूड एंड काउंटर को अटेंड करने वाला अटेंडेंट हो सकता है किचन हेल्पर हो सकता है इसके अलावा रिलेटेड सपोर्ट्स जितनी भी इनके होते हैं यानी कि आप हेल्पर कह सकते हैं जर्नल हेल्पर कह सकते हैं वो तमाम भी इसमें आता है इवन के जो डिश वॉशर है वो भी आप इस कैटेगरी में डाल सकते हैं अब यहां जो हम गलतियां करते हैं जो रुकावटें आती हैं और हमारे हमें जवाब ही नहीं आता तो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑक्युपेशन हैं जो डी कैटेगरी में आते हैं ये टी डी कैटेगरी है डी कैटेगरी में आते हैं लेकिन वहां पर जो है आप कहते हैं कि जवाब तो मेरा तो आता ही नहीं है क्योंकि आप एक स्टक हो जाते हैं एक ऑक्यूपेशन uh, के ऊपर और वहां पर रश लगा हुआ होता है किसी वजह से भी तो वहां पर उनकी डिमांड निकलेगी या पूरी होगी या जो भी फर्स्ट ईजिएस्ट होगा वो उसको पिक करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको कॉल आए जरूरी नहीं कि आपको पिक किया जाए क्योंकि ये दुनिया भर का उसूल है कि आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जब आप आना कब आना महीने में आना या छः महीने में आना इसके लिए आप मुझसे जो टाइम फ्रेम मांगते हैं वो नामुमकिन है आप अपने लोकल मुल्क के अंदर भी किसी को नहीं कह सकते कि मुझे अनलेस कि आप किसी को पे ऑफ कर रहे हो वो अलग अलग बात है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है तो फिर आप अपने आप अपने आप से टाइम मांग सकते हैं किसी और से नहीं अच्छा लोग जो है ना वो जो गलत फहमी होती है और हम मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कई जगहों पर मैंने कई लोगों से बात की है तो वो कहते हैं कि जी आपकी इन्फॉमेसन जो है जिसके तहत हमने एक जर्नल जो मैं बात कर रहा होता हूँ उसके अंदर हमने वहाँ जर्नली गए तो हमें नाकामी हुई देखें बात ये है कि अब आपने इस वीडियो को देखना है ग़ौर से क्योंकि वहाँ जहाँ जहाँ मुझे आप लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं मैं उनको भी तो हल करने जा रहा हूँ अभी देखिए अगर हम नाम लेते हैं कनाडा जॉब बैंक का और वहां पर बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो अपलोड कर दिए जी ये तो आपकी साइड है ही नहीं ठीक है ना तो उसको हल करना है क्योंकि जिन्होंने आपको ये बताया है उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि एक सूबा नहीं है वहां पर दस सूबे हैं और उनका दस कानून है तो हम दस कानून के अंदर पहले तो छह सूबों को बार कर देंगे छह सूबे हमें सूट नहीं करते जिसकी मैं बात आज कर रहा हूं तो छह सूबों को हमने करना है माइनस और चार सूबों को हमने लेके चलना है अब मैं मिसाल दे रहा हूं कि इस काम के अंदर अगर आप ओंटारियो के अंदर अप्लाई करेंगे मैं मिसाल दे रहा हूं ओंटारियो एक सूबा है अगर आप इस पूरे वीडियो को हेल्प से ओंटारियो में अप्लाई करेंगे तो आपको जवाब नहीं आएगा और अगर जवाब आया तो मुश्किल है जवाब आया लेकिन अगर जवाब आया तो आपका काम नहीं होगा तो कहने का मतलब यह है कि आपने छह सूबों को फारग करना है और चार सूबों को लेकर चलना है और वो चार सूबे जो है वो आपको पता होने चाहिए कि न्यू बर्नस वीक है न्यू फाउंड लैंड है लेबोडोर और इसके अलावा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है इसके अलावा नोवास्कोचिया है ये आपको चार सूबे याद करने हैं इनके अंदर काम करना है मैं आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा, वहां से नोट कर लीजिएगा कोई इशू नहीं है अब आपका पहला सवाल ये आना चाहिए कि इन चार सूबों के अंदर खास बात क्या है और उन छह सूबों में वो बात क्यों नहीं है प्रोग्राम्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये चार जो मैंने नाम लिए हैं ये इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम को मानते हैं और उसको साथ में चलते हैं यानी कि जब आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम को अगर आप मानते हैं कोई सुबह मानता है तो वो लेमिया की जरूरत वहां पर ख़त्म हो जाती है तो मुझे आपको लेमिया से बाहर निकालना है तो सबसे पहले तो हमने लेने को फारिग किया क्योंकि लेमिया के अंदर आपका जो बुलाने वाला है स्पॉन्सर जो है या कंपनी जो है दे आर नॉट इंटरेस्टेड नॉर्मली क्योंकि वो लेमिया में कम अज़ कम कुछ ना हो तो फीस रखती है और फीस भरने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं है यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो लोग आते हैं हम भी जो इनसे मिलते हैं वो इनकी ख्वाहिश तो ये भी होती है कि वो टिकट के पैसे भी ना भरें यानी कि वो भी हम हम कर दें और के पैसे भी हम कर दें दें और तो तो बहुत दूर की बात है तो उस स्टेज के ऊपर हो रहा होता है कि जहां आपको अभी टिकट भी नहीं मिला हुआ वीजा भी नहीं मिला हुआ और की पेमेंट करनी है और लिमी के पेमेंट के अंदर जो है जो कंपनी होती है नॉर्मली वो कहती है जी अगर मैं पेमेंट कर दू और आपने पीछे से इनकार कर दिया क्योंकि यहां पर अगर मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे सामने तकरीबन पचास साठ लोग मना कर चुके हैं लिमिया आने के बाद और कंपनी जो है वो अटकी भी रहती है और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम किसी बंदे को एक्सचेंज करें यानी कि एक बंदे का लिमी आ चुका है कंपनी जो है वो हजार डॉलर लगा चुकी है यहां पीछे से बंदा कहता है कि जी मैं तो यकीन ही नहीं करता क्योंकि मुझे बताया शबीर भाई ने मुझे बताया खुर्शीद भाई ने कि ये सब दो नंबर है तो वहां पर क्या हुआ कि आप तो चले गए उसके बाद जो कंपनी है उसने हमसे कहा कि जी ये आपने हमारे साथ क्या सलूक किया क्योंकि एक हजार डॉलर उनके चले गए मट्टी के अंदर तो हम बार बार नहीं कर सकते ये काम इसलिए हम लीनिया वाले सब्जेक्ट को ही बंद कर देते हैं ताकि आपका शबीर भाई की बात को हम रख लें और कंपनी को भी हम डिस्टर्ब मजीद ना करें क्योंकि इससे पाकिस्तान की रैंकिंग खराब हो रही है पाकिस्तान को वो पाकिस्तान से तो मुश्किल से तो वो हायरिंग करें हायरिंग करने के बाद आपको यकीन ना आए तो मसला वहां हो जाता है कंपनी को हो जाता है अच्छा अब मामला आता है वो निकाल दिया अब अब आइए इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम या ए प्रोग्राम इन दोनों के अंदर ये चार सूबे आ जाते हैं एक बात तो समझ में आपको आ गई होगी कि हम क्यों इन चार सूबों को सिलेक्ट कर रहे हैं अब आ जाइए आप दूसरे काम के अंदर कि आप कहते हैं करना कैसे होगा क्योंकि सारा काम करना तो आपको है मेरी है कि आप खुद ही करें तो इसके अंदर आपने सबसे पहले आ जाना है अब इन तमाम बातों को दिमाग में रख के आ जाना है कनाडा जॉब बैंक के अंदर स्क्रीन पे आ जाइए ओके हम ये आगे हैं वेबसाइट के ऊपर जहां पर हमें कनाडा जॉब बैंक के ऊपर क्लिक करना है कनाडा जॉब बैंक पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वेबसाइट खुल जाएगी योर कैरियर स्टार्ट हेयर आपने नॉक कोड डालना है यहां पर सीधा कोई लंबे चौड़ा मतलब कुछ लिखना नहीं है सिक्स सेवन सिक्स सेवन वन वन लिखे और इसको सर्च कर लीजिए सर्च करने से आपके पास जो है पूरे कनाडा की आपकी जो मामलात हैं वो आपके पास ये आ जाएगा जैसे ये स्वीट्स का कोई ऑप्शन आ रहा है आपके पास ब्रिटिश कोलंबिया का ये आपको एक घंटे के पंद्रह डॉलर देते हैं इसके अलावा फूड अटेंडेंट का भी ऑप्शन है लेकिन ये मामला ये कि ये पूरे उसका है कनाडा का है और हमारे पास जो है ये ऑप्शन नहीं कि हम दस के दस प्रोविंस में डालें हम यहाँ पर होल कनाडा को ख़त्म करेंगे हम किसी दो को या एक को या चार को लेंगे एज अ एज ए एग्जाम्पल आप मैंने कहा था अगर आप ऑनटोरियो पे करेंगे तो ये एक सौ अट्ठावन जॉब हमारे लिए नहीं है ब्रिटिश कोलंबिया हमारे लिए नहीं है हमारे लिए ऑप्शन क्या थे न्यू बर्नस वीक है न्यू फाउंडलैंड है इसके अलावा प्रिंस प्रे, एडवर्ड है या नोस्कोचिया है तो उनसी में से कोई हम लेंगे ना तो यहां पर आप देख लीजिए कि यहां पर आपको आपके कोई ऑप्शन में कोई जॉब मिलती कि नहीं मिलती नोवस्कोचिया में मिलती है तो कर लो या न्यू बर्नस वीक में कर लो एक ही बात है किसी में भी कर लो न्यू फाउंड लेबर यहां पर भी हमें मिलती है हम सबको भी ले सकते हैं लेकिन यकून बनी मिलती चलो नोवास्कोशिया में कर लेते हैं नोवास्कोशिया को क्लिक करोगे तो आपके सामने एनएस यानी कि नोवास्कोशिया के अंदर आपको जॉब्स मिल रही हैं फूड प्रिपेयरर है फूड काउंटर अटेंडेंट है फूड काउंटर अटेंडेंट है, है फूड सर्विस हेल्पर है इस तरीके से तमाम चीजें मिल रही हैं अब मान लीजिए कि हम 14 डॉलर पर पर अगर इसकी बात करें तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये कह रहे है कि जी आपको किस एड्रेस के ऊपर कहाँ रहना होगा फुल टाइम जॉब है और तमाम मालूम आपको दे रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आपको आना है ये तमाम चीज़ें दे रहे हैं आपको लैंग्वेज में आपको कहते हैं बिल्कुल आपको इंग्लिश कुछ ना कुछ बोलनी ही पड़ेगी मगर एजुकेशन के हवाले से कहते हैं कि नो डिग्री नो सर्टिफिकेट नो डिप्लोमा कुछ भी आपसे नहीं मांग रहे और जो सर्टिफिकेट लाइसेंस मेंबरशिप कोर्सेज वगैरह वगैरह के बारे में नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है मतलब आपसे कोई डॉक्यूमेंट उस किस्म के नहीं मांग रहे जहां पर आपको मैंने कहा था कि मिलेगा इसके अलावा एक्सपीरियंस के बारे में कहते हैं एसिट्स यानी कि आपकी कोई वो हो सकती है इजाफी लेकिन हम आपसे नहीं मांग रहे और ट्रांसपोर्टेशन जो है या ट्रेवल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑन व्हील है इसके अलावा आपने देख लिया कि ये चौदह चौदह डॉलर अगर देते हैं आपको ये एक घंटे का तो मान लीजिए कि अगर 10 घंटे आप काम करते हैं तो 140 सौ चालीस डॉलर हो गए और तकरीबन तकरीबन कोई साढ़े चार चार हजार डॉलर जो है ये पर मंथ बन जाता है विच इज वेरी गुड अब यहां पर अगर हम तमाम चीजों को एग्री करते हैं पढ़ने के बाद तो शो हाउ टू अप्लाई करते हैं तो हमारे सामने वो ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको नजर आ रहा है ये वेबसाइट टी तो आपने अपना कैनेडन कैनेडियन बेस सीवी और कैनेडियन बेस जो आपका कवर लेटर होगा वो आपने कवर लेटर को फ्रंट पर रखते हैं सीवी को अटैच करते हैं और बगैर किसी तस्वीर के बगैर किसी लोगों के वहां पर आपने उसको पोस्ट करना है ये तरीकाकार इन्होंने दिया है कि आपने करना है तो खर्चा तो ना हुआ आपका अगर आप ईमेल करते हैं तो अब उसके बाद जो आएगा तो उसको ये लोग जानते हैं कि हमने इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत इसको ऑफ़र कर देनी है और वहाँ पर कोई ख़र्चा इतना ज़्यादा है नहीं बहुत ही माइनर खर्चा होता है जिसको क्लाइंट भी बेर करने को तैयार है वो भी बेयर करने को तैयार हैं इसके अलावा ये ए के बीच में भी आते हैं और लिनिया से भी मुबर्रा हैं और इसके अलावा जो किचन हेल्पर है या जो भी हैं इसके अंदर भी देख लिया आपने इतनी इस पोस्ट के ऊपर भी कुछ आपसे मांग नहीं रहे और अगर ये आपको ट्रेनिंग देंगे तो उस पीरियड के लिए सैलरी भी देंगे मतलब ये पेड ट्रेनिंग होगी आप नहीं कह सकते कि जी एक महीने तक उन्होंने मुझे काउंटर असिस्टेंट रखा या काउंटर वो रखा और सैलरी तो दी नहीं तो ऐसा नहीं कह रहे वो कहते हैं कि जी हम आपको देंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग है पेड ट्रेनिंग है सैलरी मिलती रहेगी आपको अब इसका आगे क्या होता है वो आपको मैं जबानी बता देता हूं क्योंकि प्राइवेट केसेस को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते तो इसलिए आपको मैं जबानी बता देता हूं आपने क्लिक किया आपने सीवी डाली आपने अपना कवर लेटर भेजा उनके, उन वहां से आप किसी एक कंपनी का आपके पास जवाब आ गया आपकी बात बन गई आप एग्री आपने क्वेश्चन कहा सब कबूल करते हो आपने कबूल करता हूं वो एक और लेटर भेजेगा जिसके अंदर लिखेगा कि आप इसको साइन करो और साइन करके मुझे स्कैन करके भेजो वो भी आप कर लेंगे तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा वहां पर उसके ऊपर वो अपना इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का प्रोसेस पूरा करेगा जब ये भी हो जाएगा तो फिर आपको वो ऑफर लेटर भेजेगा जो होगा तो हो तो रीजन है वो जॉब का होगा वहां आपको तकरीबन तकरीबन आप कह लीजिए तीन महीने का वीजा जो है मिलता है जॉब का वीजा तीन महीने का ही मिलता है जो कि कन्वर्ट होना होता है दो साल के अंदर लेकिन यहां पर आपको एक एहतियात करनी है कि कहीं आपने बात भूलनी नहीं है कि ये जो प्रोसेस है जो इस वीडियो में दिया जा रहा है इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप दो साल तक वर्क वीजे पे ही वेट करें या एक साल तक वर्क वीजे पे ही वेट करें आपने उनको लिख के देना है उन्होंने आपसे लिखवा लिया है पहले ही यानी कि जितने भी लेटर आए जहां तक हमने देखे हैं उन्होंने लिखवा लिया है कि आपने तीन महीने के अंदर पी अप्लाई करनी है एप्लीकेंट बन जाना है अगर आप तीन महीने में पी अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका तीन महीने बाद वीजा खत्म हो जाएगा यू विल बी कंसिडर एज इन लीगल पर्सन जो कि बिल्कुल ही गलत है आपके साथ हो जाएगा यानी कि आप इलीगल लीगल पहुंच गए हो और अपने आपको इलीगल करवा रहे हो तो ये काम नहीं करना है क्या करना है आपने आपने यहां से होमवर्क करके जाना है डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वहां पर आपने जाकर अपना काम ज्वाइन कर लेना है ज्वाइन करते ही आपने कंपनी से कहना है कि मुझे उन्होंने यानी कि हफ्ते के बाद ही कह देना है कि मुझे पी का प्रोसेस का हुक्म है मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो दो बातें होंगी एक तो गवर्नमेंट आपको वर्क वीजे पर रखना ही नहीं चाहती पीआर दे रही है विच इज गुड थिंग मतलब आप क्या मांग रहे थे कि आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए आपको पासपोर्ट मिल जाए और वो सूबा चाहता है कि आप उसके पास पक्के हो जाएं, टेम्प्ररी ना हो कि उनको पता हो कि ये हमारी पीआर के ऊपर है तो कम से कम दो साल तो ये हमारे सूबे को सर्व करेगा उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है आपकी भी पीआर हो गई है और आपके पीआर से आपको फायदा ये है कि एक तो आप पक्के हो गए दूसरा जो आपकी फैमिली है वो भी आएगी तो उसको भी पासपोर्ट और जो स्टेटस है कैनेडा का वो फिर उसी प्रोसेस से पी से ही उसको मिलना शुरू हो जाएगा तो ये तो उन तमाम लोगों के लिए ये मालूम थी जो लोग डी कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता क्वाइट फ्रेंकली तो वो लोग ये कर सकते हैं लेकिन खुद ही आप लोग यहां पर लिखा हुआ नहीं है ये आपको मैं बता रहा हूं खुद ही आप लोग दो बातों तीन बातों का ख्याल कर लिया कीजिएगा इन बातों को मैंने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया तो इसलिए कमेंट में आई एम इंटरेस्टेड प्लीज एक्सप्लेन लिखने की जरूरत नहीं है और ये भी करने की जरूरत नहीं है कि मेरी जो जो एज जो है वो अस्सी साल है मैं क्या करूं आपने खुद फील करना है कि मेरी एज कितनी है तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं यहां पर कोई लिमिट नहीं है मगर एक जर्नल जो रिक्वेस्ट वो करते हैं वो कहते हैं कि जी 59 नाइन ईयर्स के बाद हम नहीं लेते तो आप लगभग कहीं पचपन से नीचे कर दें पचास की लिमिट रखें पचपन की लिमिट रखें खुद ही वो नहीं कह रहे आपसे मगर उनकी लिमिट तो फिफ्टी है लेकिन आपने खुद रखनी है और इन तमाम चीजों को मैंने आपको ब्लैक एंड वाइट आपके सामने रख दिया है अब आपका काम यह है कि आप इसके अंदर जाएं और अपने आप अपनी मेहनत करें और अपना काम करें मैं उम्मीद करता हूं कि यह एक आसान आसान है कंपैरेटिवली आसान है अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो मुश्किल नहीं है इट विल टेक टाइम बट ये यकीन के साथ काम कीजिएगा कि इसका रिजल्ट आता है अल्लाह हाफिज़